नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज निगाहें निकिता कश्यप के साथ। यूपी के बुलंदशहर में शादी समारोह में शिरकत करने आई दिल्ली की एक फाइनेंसर महिला की गोली मारकर हत्या कर हत्यारे फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शीघ्र ही हत्यारों का सुराग लगा गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। हत्या के पीछे संपत्ति होने की आशंका जताई जा रही है। जनपद बुलंदशहर से देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहने वाले फाइनेंसर का कारोबार करने वाली महिला कविता चौधरी की। बुलंदशहर स्थित उनके ही घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल कविता चौधरी की दिल्ली व बुलंदशहर में करोड़ों रुपए की संपत्ति और वह विधुर थी, जिसके चलते कविता दिल्ली में रहकर फाइनेंसर का कारोबार करती थी। 9 फरवरी को अपने मायके में आयोजित एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए कविता चौधरी दिल्ली से बुलंदशहर 8 फरवरी को आई। शादी के बाद 10 फरवरी की देर रात को बुलंदशहर के झमर कॉलोनी में स्थित अपने मकान में रुकी हुई। बताया जाता है कि देर रात एक अज्ञात व्यक्ति घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही कविता चौधरी ने दरवाजा खोला और सामने खड़े हत्यारे ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर कविता की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। कोई कहाँ रहती हैं ये? आकाश चौधरी। जिनकी डेथ हुई वो कौन है आपकी? मेरी मदर हैं, कविता चौधरी। तो क्या हुआ था आखिर, कैसे, किसने गोली मारी, कुछ पता चला? अभी कुछ नहीं। तो बुलंदशहर क्यों आई थी? वो आती रहती थी, आना जाना लगा रहता था। तो कोई प्रॉब्लम? तो कोई यहाँ पे घर बार भी आना, प्रॉपर्टी विवाद कोई? तो दिल्ली में क्या करती हैं, क्या कहाँ कर रहते हैं? दिल्ली में हम शकरपुर में रहते हैं। कविता चौधरी बुलंदशहर के अमर कॉलोनी में स्थित अपने अन्य मकान पर थी। पुलिस के मुताबिक गोली मारकर हत्या की गई है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। कल देर रात में कोतवाली नगर क्षेत्र में एक अमर माया कॉलोनी में एक महिला की गोली मारकर के हत्या की गई है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम वगैरह की कार्यवाही की गई है। अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। सघन जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्यवाही। सर कहाँ की रहने वाली थी सर ये रहने वाली? मूल रूप से तो इस समय दिल्ली में कहीं रह रही थी, लेकिन यहीं पर आकर के रहने लगी थी। कुछ दिन पहले यहाँ आई थी और बाकी इसका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत कार्यवाही। फिलहाल सबका पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस हत्यारों व हत्या के सही कारणों का पता लगाने में जुटी है। संदीप कुमार के साथ तेज निगाहें के लिए जनपद बुलंदशहर से रिजवान अंसारी की रिपोर्ट। तेज निगाहें के दर्शकों से अपील है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप सबसे पहले हमारी खबरों को देख सके और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूले। अब दीजिए निकिता कश्यप को इजाजत। नमस्कार।